हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो पेपरी पाक के ऊपर है। अगर किसी के भी पेपरी पाक की समस्या है तो उसके लिए हम इसमें अपेक्स पेंट, जो कि आउटर साइड जो लकड़ी होती है घरों में उसमें पेंट करने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं अपेक्स पेंट, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपने जो ये पपड़ी सी होती है उसको को हटा देना है किसी खुरदरी चीज़ से, जैसे कोई बोरी वगैरह करके, या फिर जैसे मैंने खुरदरे से थोड़े से ग्लव्स पहन रखे हैं, तो इस तरह से इनको निकाल देना है इसका, ताकि हमारा जो पेंट है वो बढ़िया से टिक पाए इस पर, इसकी स्किन पे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने इसको, ये जो पपड़ी है इसको मसल के यूं करके हटा देना है, और इसके ऊपर हमने जो है अपेक्स पेंट हम लगा सकते हैं। वो हमने इसलिए लगाना है ताकि ये वाटरप्रूफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्किन नहीं है, तो इसके थ्रू आपका जो मॉइस्चर है वो आपके जो जब बारिश वगैरह होती है तो पानी इसमें एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से ये आपकी टहनी सूख भी सकती है या आपका पौधा सूख भी सकता है। तो इसको इस तरह से साफ करके इसमें आप अपेक्स पेंट लगा दीजिए। इसमें अपेक्स पेंट में आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसको ख़रीदोगे तो उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना है आपने। मान लीजिए अगर आप 1 लीटर अपेक्स पेंट लेते हो, उसे किसी ओपन बाल्टी वगैरह में, किसी भी खुले बर्तन में डालते हो, तो उसमें आपने 1/2 लीटर पानी डाल देना है और उसको हल्का पतला करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ठीक सा पतला करना है, कि क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा लगाओगे तो इसमें जो है इसकी इस पेंट की पपड़ी बन जाती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। वैसे 1/2 लीटर, अगर 1 लीटर है तो उसमें 1/2 लीटर या 400 ml पानी अगर मिलाओगे तो इससे ये पतला सा जो इसका जो स्टफ़ है ये पतला सा हो जाएगा, जो इजीली भी आपके प्लांट में लग जाएगा और ये गाढ़ा भी नहीं होगा और इसकी पपड़ी भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमने उस पोर्शन को इससे लगाना है ताकि ये आपका वाटर प्रूफिंग रहे इसमें, ताकि इसमें कोई पानी वगैरह एंटर ना करे। तो इसमें आप वैसे ब्लाइटॉक्स भी लगा सकते हो, लेकिन उसको पानी के साथ यूज़ करना है, ऑयल के साथ यूज़ नहीं करना है। लेकिन वो आपका, अगर पानी के साथ अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो जैसे बारिश वगैरह से धुल जाएगा, लेकिन जो ये अपेक्स पेंट है इसमें ये आपका जल्दी धुलेगा नहीं, इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, 2-3 साल तक ये आपके पेड़ में लगा टिका रहेगा। तो आप इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि फिर और दूसरा ध्यान रखना है आपने, अपने पेड़ को स्ट्रेस में नहीं जाने देना है, उसकी ग्रोथ चलनी ज़रूरी है। अगर आपका पेड़ ग्रोथ नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लांट में पेपरी पाक की समस्या आ सकती है, खासतौर पे जितने भी स्पर वैराइटीज़ है, जैसे ये सुपर चीप है, इसको जैसे हमने बैंड कर रखा है, तो इस वजह से इन सीडलिंग प्लांट्स में आपके पेपरी पाक की दिक्कत आ रही है, बिकॉज ऑफ जैसे हम इनको बैंड कर रहे हैं, तो उस वजह से इसमें थोड़ी सी ये पेपरी पाक की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हो ताकि आपका पौधा सूखने से बच जाए। थैंक यू।